स्वतंत्र वीर सावरकर। इस फिल्म को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा चर्चा में बने हुए हैं। रणदीप हुड्डा का डायरेक्टोरियल डेब्यू बनने जा रही वीर सावरकर मार्च में शहीद दिवस यानी 22 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि इस फिल्म के टीजर में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के मोस्ट वांटेड भारतीय, वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों की प्रेरणा थे। कौन थे वीर सावरकर, देखिए उनकी सच्ची कहानी। इस टीजर के रिलीज होने के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि भगत सिंह का नाम सावरकर के साथ ना जोड़ा जाए। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये दावा जो टीजर में किया गया है कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस सावरकर से प्रेरित थे, ये गलत है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि भगत सिंह पर कई किताबें लिख चुके एक प्रोफेसर ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि सावरकर से भगत सिंह की कभी मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो उनसे प्रेरित थे। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने 1924 में एक लेख में सावरकर का जिक्र जरूर किया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस लेख में उन्होंने सिर्फ सावरकर का ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशभक्तों का, क्रांतिकारियों का नाम सम्मान के साथ लिया था। वहीं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर लिखी सावरकर की किताब के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह के साथियों ने इस किताब को छपवा कर इसकी कॉपियां लोगों के बीच बांटी थी। सावरकर की ये किताब पहले मराठी में आई थी, जिसका नाम है 1857 का स्वातंत्र समर। ये किताब 1909 में प्रकाशित हुई और इसे पहली ऐसी किताब कहा जाता है जिसमें 1857 के विद्रोह के बारे में विस्तार से जानकारी थी। वहीं प्रोफेसर का इस किताब को लेकर कहना है कि भगत सिंह के साथियों ने इसलिए इस किताब को छपवाया क्योंकि इसमें 1857 के संघर्ष का विस्तृत वर्णन है। बात की जाए बोस की, तो टीजर रिलीज होने के बाद सुभाष चंद्र बोस की फैमिली वालों ने इस टीजर में इस्तेमाल किए गए तथ्य को गलत करार दिया और कहा कि बोस सावरकर से प्रेरित नहीं थे। ये तो थी फिल्म में कहे तथ्यों से जुड़ी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की। स्वातंत्र वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक है। वो एक क्रांतिकारी थे। यूं तो देश की आजादी में सावरकर का भी बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। वो महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों के खिलाफ थे, जिस वजह से सावरकर और गांधी की कभी नहीं बनी। बता दें कि सावरकर पर बनी इस फिल्म में रणदीप हुड्डा, अमित सियाल, अंकिता लोखंडे और आर भक्ति क्लेन लीड रोल में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 मार्च को ये फिल्म क्या कुछ कमाल कर पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।